ही व्हाट्सअप गाइज, मैं सोनू और आप हो ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इजीली एक ऐप की मदद से किसी भी व्हीकल, चाहे वो बाइक हो, कार हो या स्कूटर हो, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। साथ ही आप अपने व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सेव करके रख सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करें। तो गाइज, उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मैं आपको बैक करके यहाँ से मैं दिखा देता हूँ उस एप्लीकेशन का नाम क्या है। आपको यहाँ पर टाइप करना होगा आर टी ओ व्हीकल इन्फॉर्मेशन टाइप करते हो यानी इसको सर्च करते हो, आपके सामने फोर्थ नंबर वाली जो एप्लीकेशन है, आपको इसको डाउनलोड करना है। आप इसकी स्टार रेटिंग भी देख सकते हो और इसके जो है डाउनलोडर्स भी आप देख सकते हो, 1 करोड़ प्लस इसके डाउनलोडर हैं। एंड आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि पर्सनली ये जो एप्लीकेशन है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इस एप्लीकेशन में गाइस इंफॉर्मेशन के अलावा आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इसलिए मुझे जो एप्लीकेशन है पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। गाइस आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो रहा है एंड यहाँ इंस्टॉल ये सक्सेसफुली हो चुका है। एंड मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा गाइस, आपको करना ये है कि ये फर्स्ट टाइम जो आपको ना लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप इंटरफेस देख सकते हो, ये फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आपको इसको लॉगिन कर लेना है। अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते तो आप इसको क्लोज भी करके यूज़ कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। तो मैं सिंपली इसको लॉगिन कर लेता हूँ। एंड लॉगिन करने के लिए आपको किसी भी जीमेल अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेना है। एंड जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आपको फर्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है आरसी सर्च। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो किसी भी व्हीकल्स के। एंड चेक चालान, यहाँ से आप चालान का स्टेटस चेक कर सकते हो। माय डॉक्यूमेंट गाइस, इस ऑप्शन के जरिए अगर आप कहीं फंस जाते हो एंड आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने आरसी, पॉल्यूशन इंश्योरेंस दिखाना होता है, तो आप क्या कर सकते हो गाइस, उससे बचने के लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन के जरिए अपने जो भी इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, अपना जो आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस, सब यहाँ पर अपलोड करके रख सकते हो। एंड कभी भी उसको आप कहीं भी दिखा सकते हो। यहाँ हमेशा के लिए आपका जो डाटा है, आपके डॉक्यूमेंट है, सेव हो जाएंगे। एंड मैं इसको बैक ले लेता हूँ। बैक कर लेने के बाद गाइस आपको अगला ऑप्शन मिलता है रीसेल वैल्यू। यहाँ पर आप अपने व्हीकल की रीसेल वैल्यू देख सकते हो कि वो कितने में यहाँ से बिक सकता है। एंड कार इंश्योरेंस, यहाँ से आप कार इंश्योरेंस करवा सकते हो, यहाँ से बाइक इंश्योरेंस करवा सकते हो। एंड सेल ऑन कार्स 24, इस ऑप्शन के जरिए गाइस आप क्या कर सकते हो, आप अपने व्हीकल्स को यहाँ से ऑनलाइन सेल के लिए डाल सकते हो। एंड नीचे ऑप्शन, जैसे ही आप नीचे आते हो, फ्यूल प्राइस, यहाँ पर आप किसी भी स्टेट का, किसी भी सिटी का फ्यूल प्राइस चेक कर सकते हो। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिल्ली सेलेक्ट करके गुड़गांव सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सारे प्राइस यहाँ पर शो हो जाएंगे, डेट वाइज एंड लेटेस्ट प्राइस जो है चल रहा है पेट्रोल एंड डीजल का, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ गाइज। उसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है सेलिब्रिटीज़ कार का, यहाँ से आप किसी भी सेलिब्रिटीज़ की कार्स के बारे में भी देख सकते हो कि उनके पास कौन कौन सी कार है। तो उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ तो आप लेटेस्ट कार, यहाँ पे लेटेस्ट कार देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल में कौन सी लॉन्च हुई है। लेटेस्ट बाइक भी आप देख सकते हो। एंड मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, लेटेस्ट कार पर, रेंज रोवर पर, आपको यहाँ पर एक एड शो, एड को देख लेने के बाद आप यहाँ पर आप क्लोज़ करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये फ़ीचर्स है, ये इस कार के अंदर के फ़ीचर्स है, जहाँ पर राइट क्लिक है इसमें, इट मीन्स ये फ़ीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इस कार के अंदर। यहाँ पे आप माइलेज भी चेक कर सकते हो, इंजन भी चेक कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड मैं सिंपली इसको बैक कर लेता हूँ। बैक कर लेने के बाद गाइस मैं इसको फिर से बैक कर लेता हूँ। एंड आपको परमिशन अलाउ कर देना है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो किसी भी व्हीकल की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर उस व्हीकल का नंबर टाइप करना होगा जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकालना है। मैं फॉर एग्जांपल एक व्हीकल का नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। गाइस टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। गाइस सर्च करने के बाद आपको एक ऐड देखना होगा, इसको आप कंटिन्यू ऐप कर देंगे। यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू ऐप कर लेता हूँ। एंड कंटिन्यू ऐप करने के बाद आपके सामने इस व्हीकल की जो डिटेल है सारी आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो ये जो है व्हीकल टू व्हीलर है, ये जो व्हीकल है टू व्हीलर है। एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देख सकते हो, इंश्योरेंस एक्सपायरी, एंड आप इंश्योरेंस एक्सपायरी डेट यहाँ से देख सकते हो। चेक चालान,
यहाँ पे आप पेनल्टी इज फाइन ऑन योर व्हीकल्स, आप यहाँ पर जो पेंडिंग आपके चालान है उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करके। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये चालान शो करा देगा, नो चालान फाउंड, यानी कि इस व्हीकल का अभी भी कोई चालान पेंडिंग नहीं है। अपलोड डॉक्यूमेंट गाइज, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन यहाँ पर अपलोड करके रख सकते हो। एंड मैं अब इसको बैक कर लेता हूँ, सॉरी गाइज मैं इसको फिर से, मैं टोटली बैक आ चुका हूँ, मुझे क्या करना है यहाँ पर फिर से नंबर टाइप कर देना है उस व्हीकल का, यहाँ पर ऐड शो होगा वो आपको देख लेना है, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ गाइस। उसके बाद आप ओनर देख सकते हो, ओनर नेम देख सकते हो यहाँ से, ओनरशिप सीरियल नंबर देख सकते हो, सेकंड ओनर जो इस व्हीकल का भी सेकंड ओनर इसको यूज़ कर रहा है। एंड चेक चालान, यहाँ पर पेंडिंग चालान यहाँ पर चेक कर सकते हो, और यहाँ पर क्लिक करके आप वैल्यू चेक कर सकते हो, और यहाँ पर अपने जो बाइक कार जो भी है उसका जो भी आप मॉडल वॉडल यहाँ से आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये स्प्लेंडर, यहाँ पे आपको दिखा देगा हीरो स्प्लेंडर ये बाइक है, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप शेयर रिजल्ट, आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ सामने आप देख रहे हो आप इसको डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो यहाँ से अपने फ्रेंड्स या किसी को भी। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे मेकर मॉडल भी देख सकते हो, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड स्प्लेंडर प्लस, उसका व्हीकल क्लास भी आप देख सकते हो, फ्यूल टाइप पेट्रोल, फ्यूल नेम देख सकते हो यहाँ से आप, इंजन नंबर, क्लासिक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हो, व्हीकल एज देख सकते हो आप, फिटनेस अप टू पोल्यूशन एक्सपायरी डेट देख सकते हो, इंश्योरेंस एक्सपायरी डेट आप यहाँ से देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, कलर आप देख सकते हो, अनलोडेड वेट्स। गाइस कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर ऐसे व्हीकल की पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड उसके बाद गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन में इतना ही है, इससे ज़्यादा आप इस एप्लीकेशन में कुछ नहीं देख सकते। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।